कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 2 के लिए और टॉपिक है माय फैमिली। अब माय फैमिली जैसे ये टाइटल सुनते हैं आपके माइंड में क्या आता है? अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली में क्या है? आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब आपके मम्मा और बाबा हैं, ठीक है, और आपके सिबलिंग्स यानी कि आपकी बहन जो भाई बहन भाई ये सब मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। जल्दी से रीडिंग बुक SST की रीडिंग बुक ओपन कर लिए पेज नंबर 5 पे, ठीक है। अब सबसे पहले टाइटल देखते हैं माय फैमिली, इसके ऊपर माय फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे से पढ़ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे मैं स्टार्ट करूँ पढ़ना आप लोगों ने अपनी फिंगर अपनी उसी वर्ड पे रख लेनी है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो उसको समझने में कि मैं किस लाइन के बारे में बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। आप लोगों ने अच्छे से समझना है ना चैप्टर को, तो मेरे साथ साथ मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ठीक है, और अच्छे से चैप्टर को समझें, चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। तो स्टार्ट कर रही हूँ। आई लिव इन अ हाउस विद माय फैमिली, ठीक है। हम अपने जो फैमिली के साथ अपने एक घर पे रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये जो बॉय है यहाँ पे वो भी ये बता रहा है कि आई लिव इन अ हाउस विद माय फैमिली, कि मैं अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। अब फैमिली कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का मतलब होता है मुश्तमिल होना। फैमिली जो है वो मुश्तमिल होती है फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर। फादर पर यानी कि हमारे बाबा मामा, ठीक है, बहन और भाई, इन सब ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स क्या होते हैं? दो फादर और मदर जो होते हैं वो मिलके दोनों पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सिबलिंग्स, ठीक है, उसी के सामने कॉन्सेप्ट है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं? खूनी रिश्ते यानी कि सगे बहन भाई। भाई और बहन जो होती है वो हमारे सिबलिंग्स होते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर सिबलिंग्स। और अंडरलाइन कर ले इस वर्ड को, सिबलिंग्स को, ये आपके एमसीक्यूज में भी आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और वैसे भी आप लोगों को सिबलिंग्स में पता होना चाहिए ना कि सिबलिंग्स क्या। हाँ जी, तो अब हमें पता चल गया है कि सिंगल पेरेंट्स क्या होते हैं। पेरेंट्स का आपको पता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, हमारे मामा और बाबा जो है वो आपके पेरेंट्स होते हैं। और उसके अलावा सिबलिंग्स क्या होते हैं? छोटे बहन भाई ये सब हमारे सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में भी जब आएगा कि ब्रदर्स और सिस्टर्स आर कार्ड, तो क्या होते हैं वो? सिबलिंग्स होते हैं। वेरी गुड, अच्छे से आपको पता चल गया। चले अब नीचे स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली सिस्टम, दो तरह के फैमिली सिस्टम होते हैं, सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। अभी मैं आप लोगों को सिंगल यूनिट और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बताऊंगी, तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आप लोग सिंगल यूनिट में रहते हैं या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। अगर आप लोग सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो ऊपर वाले बॉक्स में टिक कर देना ताकि आपके आप किस फैमिली यूनिट में रहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो नीचे वाले पे टिक कर देना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग किस यूनिट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। और ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, इसको अंडरलाइन कर लें कि कितने टाइप के फैमिली सिस्टम होते हैं? दो तरह के, सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। अब सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम क्या होता है? सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम का मतलब होता है जिसमें आप सिर्फ आप, आपके बहन भाई, आपके मामा और बाबा रहते हो, वो होता है सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम, ठीक है। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे आपकी फैमिली तो रहती है लेकिन आपके दादा अबू दादी अम्मी, आपके चचा चची, आपके छोटे कजन्स, ठीक है, और इसके अलावा आपके ताया अबू ताई अम्मी और उनके जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो सब आपके साथ रहते हैं, तो ये सारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अगर आप घर पे अकेले हैं, आप लोगों के मम्मा पापा और आप बहन भाई सिर्फ आप यही फैमिली रहती है, तो ये होता है सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम। फर्दर इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 6 पे आ जाए। सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम, द फैमिली सिस्टम इन विच पेरेंट्स लिव विद देयर चिल्ड्रन, ठीक है, जिसमें ऐसा फैमिली सिस्टम जिसमें आपके पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं वो सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम कहलाता है। इसको अंडरलाइन भी कर लें सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम को, ठीक है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम का आप लोगों को अच्छे से पता चल गया ना कि सर जब जहाँ पे आपके माँ बाप रहते हैं, ठीक है, और आप आपस में रहते हैं वो सब सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? द फैमिली सिस्टम इन विच टू और मोर सिंगल फैमिलीज लिव टुगेदर इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि जिसमें दो या दो से ज्यादा फैमिली सिंगल यूनिट फैमिली जो हम रहती हो वो ज्वाइंट फैमिली कहलाती है, ठीक है। जैसे कि ये चार्ट बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, फादर मदर यानी कि आपके पेरेंट्स और बहन भाई, ठीक है वो, और उसके अलावा अंकल आंट यानी कि आपके चचा चची और उनके बच्चे जो है वो रहते हैं, ये सारा मिलके क्या बनाते हैं? एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बनाते हैं, जिसमें ये सब होते हैं वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है। लेकिन अगर सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम का इसी तरह से ये बनाना हो तो क्या बनाएंगे हम? सिर्फ इतना
रखना हिस्सा, इसको देखेंगे जस्ट फादर मदर सन एंड डॉटर, तो ये होगा आपका सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम। लेकिन अगर इस पूरे डायग्राम को देखें तो ये टोटल होगा आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, इन जॉइंट फैमिली सिस्टम ग्रैंडफादर, मदर, फादर, ब्रदर्स, अंकल्स, आंट्स, कजन्स ऑल लिव टुगेदर। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि आपके कजन्स, आपके आंट, आपके अंकल, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम बनाते हैं। लेट्स लुक इनटू द वाइफ फैमिली। अब ये मतलब कि ये जो बॉय है जिसकी हम फैमिली के बारे में रीड कर रहे हैं, हम अपनी एक फैमिली की एक ये टेबल शो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लव्स मी, कि उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे टेल मी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और वो मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं। अब आप लोगों से मैं पूछती हूँ, आप लोगों को स्टोरीज कौन सुनाता है? अगर तो आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो आपकी जरूर दादा दादी आपको फैमिली स्टोरीज सुनाती होंगी। ठीक है, और यही अगर आप एक सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो आपको स्टोरीज कौन सुनाते हैं? आपकी मम्मा सुनाती होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये खुद से देखना है कि आप लोग किस फैमिली यूनिट में रहते हैं। और उसके अलावा आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आएगा कि आपको स्टोरीज कौन सुनाता है, तो आप लोगों को स्टोरी कौन सुनाता है? अगर तो आपको आपके दादा या दादी सुनाते हैं तो आप आंसर लिखेंगे माई ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। ठीक है, और अगर आप लोग सिंगल यूनिट में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको आपके पेरेंट्स सुनाएंगे, यानी कि आपके फादर या आपकी मदर सुनाएंगे। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से उसका आंसर राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, माई फादर वर्क फॉर अस, हाँ जी, हमारे मेरे वालिद जो है वो मेरे लिए काम करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे घर में भी आप अगर हम देखें तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए काम करते हैं। बाबा सारा दिन बाहर का काम करते हैं और मम्मा जो है वो घर का सारा काम करती हैं। जब हम घर पे जाते हैं, हमारे लिए लंच भी रेडी होता है और हमारे कपड़े भी प्रेस करके रखे होते हैं, हमें जस्ट फ्रेश होना होता है और जल्दी से हमें खाना खाना होता है। मतलब हमारा तो यही काम होता है, जबकि हमारी मम्मा सारा दिन काम करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, घर को भी साफ सुथरा रखती हैं, ये सारे काम जो है वो करती हैं, और बाबा सारा दिन बाहर के काम करते हैं। ठीक है, आई फील हैप्पी एट होम, हैप्पी। अब आप घर पे कैसा फील करती हैं? हैप्पी फील करती है ना, जाहिर सी बात है, अगर आपकी फैमिली आप उसके साथ घर पे रहते हैं, आपको कितना अच्छा लगता होगा अपनी फैमिली के साथ रहना, बहन भाई के साथ खेलना, मम्मा से स्टोरी सुनना, बाबा के साथ खेलना, ठीक है, बाबा से फरमाइशें पूरी करना, कितना अच्छा लगता है ना हमें, तो हम फैमिली में हैप्पी फील कर रहे हैं। ठीक है, आई रिस्पेक्ट अदर्स एंड लव माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो मैं क्या करता हूँ, ये वो जिसकी स्टोरी है, जिसकी फैमिली है वो बता रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा फील करता हूँ और अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ और छोटों से प्यार करता हूँ। आपको भी ऐसे ही, आप लोग भी ऐसे ही होंगे, जाहिर सी बात है, आप लोगों के भी अगर दादा दादी हों आपके साथ तो आप उनकी उनका एहतराम करते होंगे, उनकी इज्जत करते होंगे। ठीक है, अगर वो कुछ भी कह रहे हैं आप फौरन उनकी बात मानते होंगे, और छोटे बच्चों से भी आप लोगों को इतना प्यार होगा। वैसे ही बड़े बहन भाइयों को तो छोटे बहन भाइयों से प्यार ही बहुत होता है, और आप लोग अपने जो बड़े बहन भैया उनकी भी हर चीज़ वो हर बात वो मानते होंगे आप लोग। ठीक है, यही अच्छे बच्चों की निशानी होती है। ठीक है, बीइंग अ फैमिली मीन टू शेयर हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस क्या मतलब है, खुशियाँ, आप अपनी फैमिली से अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं। इवन जब आप क्लासरूम में होते हैं, आपकी टीचर आपको स्टार देती है, कैसे आप खुश हो जाते हैं, और घर जाकर फौरन आपका मम्मा को यही बताना होता है, मम्मा देखिए आज मेरी टीचर ने मुझे स्टार दिया। ठीक है, कैसे हैप्पी हो जाते हैं ना आप लोग। तो मतलब ये है कि हम अपनी फैमिली से अपनी हैप्पीनेस को शेयर करते हैं, और इसी तरह आपकी प्रॉब्लम्स भी, जैसे कि आपको कोई चैप्टर नहीं आ रहा, आप लोगों को कोई टेंशन है, तो आप लोग अपनी मम्मा से शेयर करेंगे ये बात कि मम्मा ये चैप्टर है मुझसे नहीं याद हो रहा है, इस तरह से। तो जो भी अपने हमारे मसले होते हैं या हमारे हैप्पीनेस होती है, वो हम अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। फैमिली तो फिर कितनी बड़ी नेमत हुई ना, कि हम लोग फैमिली, हमारी फैमिली होती है, हम उससे हैप्पीनेस शेयर करते हैं, सैडनेस शेयर करते हैं, हमें हम घर पे जाते हैं, हमें खाना मिल जाता है अच्छे से। ठीक है, तो ये सब एक फैमिली एक नेमत है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे स्कूल में भी आते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर लेसन में इतना ही, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।